वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। पाकिस्तान के कराची में स्थित एक प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह मंदिर लगभग 80 साल पुराना है, यानी आजादी से भी पहले का। यह मामला लायरी इलाके का है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के आसपास रहने वाले लगभग 20 हिंदू परिवारों के घरों को भी तोड़ दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या है पूरा मामला। दरअसल यह मंदिर जहां मौजूद था वहां एक बिल्डर कॉलोनी बना रहा है। आरोप है कि स्थानीय प्रशासन ने उसमें इसकी मदद की है। मंदिर में मौजूद मूर्तियां भी गायब कर दी गई हैं। पाकिस्तान सरकार की तरफ से अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मंदिर के पुजारी का आरोप है कि करीब 6 महीने पहले कराची के बाहरी इलाके लायरी की जमीन एक बिल्डर ने खरीदी। वो यहाँ कॉलोनी बनाना चाहता था। इस क्षेत्र में 20 हिंदू परिवार भी रहते हैं। पास ही एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी है। महामारी के चलते इसे कुछ महीने पहले बंद कर दिया गया। द ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक मंदिर सोमवार रात तोड़ा गया था। इसकी जानकारी शुक्रवार रात सामने आई थी। इसके बाद हालांकि जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस जांच करने मौके पर पहुंची। इस दौरान जांच कर पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार लायरी के असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल करीम मेमन ने मंदिर को गिराने वाले बिल्डर के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि एक बिल्डर ने कथित रूप से मंदिर के आसपास की मंदिर जमीन खरीदी थी और वह यहाँ एक कॉलोनी बनाना चाहता था। बिल्डर ने वहाँ के हिंदुओं से वादा किया था मंदिर को छुआ नहीं जाएगा, लेकिन बिल्डर ने यहाँ लोगों से किए गए वादे को तोड़ते हुए मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया। एक स्थानीय निवासी मोहम्मद इरशाद बलूच ने द ट्रिब्यून को बताया कि अन्याय है, उन्होंने पूजा स्थल को ध्वस्त कर दिया। यह एक पुराना मंदिर था, हम जब बच्चे थे तब से इसे देखते आ रहे हैं। वहीं एक अन्य निवासी हर्ष ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसी को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, बिल्डर ने स्थिति का फायदा उठाया और हमारे पूजा स्थल को ध्वस्त कर दिया। तो ये थी पाकिस्तान में हनुमान मंदिर किराए जाने पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।